नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रही है। पिछली बार लालू प्रसाद यादव ट्रोल हुए थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की बात नीतीश कुमार और अन्य लोगों को भी ट्रोल कर रही है। कैसे इस वक्त लालू प्रसाद यादव लोकप्रिय नेता बने, आइए विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं। पर खबर को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, यह पूरी सच्चाई के साथ एक एक खबरों को आपके साथ अवगत कराएंगे। विस्तार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा खोला तो पूछा कि नरेंद्र मोदी अगर हिंदू थे तो माँ के निधन में अपने सबसे जो प्रिय चीज होती है उसे गंवाना पड़ता है, तो बाल क्यों नहीं कटवाया, क्यों नहीं मुंडन करवाया। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दब दिया तो नरेंद्र मोदी के तमाम नेताओं को अपने नाम के आगे परिवार का जिया कहीं ना कहीं ये लगाना पड़ा, यानी मोदी का परिवार लगाना पड़ा नाम के आगे सोशल मीडिया पर। दूसरी तरफ भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आखिरकार लोकसभा के चुनाव के टिकट वापस कर दी या बीजेपी ने वापस करा ली, सवाल का सटीक जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। लेकिन समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में किन किन कैंडिडेटों पर अपनी मुहर लगाने की बात को कहा है या किन कैंडिडेटों को लेकर के उनकी मजबूती देखी जा रही है। एकनाथ सिंधिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अगला क्या मूड मिजाज तैयार किया है, आपको यह भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की रणनीति सामने आ रही है। लेकिन इसी राजनीतिक ध्रुवीकरण के अंदर यह भी समझ लीजिए कि राजनीति करने वाले दिग्गज नेताओं ने नौकरी और जॉब की बात कह करके, यानी रोजगार देने की बात कह करके देश का युवाओं का ध्यान खुद पर केंद्रित कर लिया, और साथ ही साथ जाटों के बड़े नेता और इसी के साथ लोगों के लोकप्रिय नेता जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार जी हाँ अधिकार के साथ मांगा जाएगा। दूसरी बार अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अलग अवधारणा बनी हुई है जिसे उसे तोड़ने की जरूरत है, और योगी के सामने अखिलेश इस बार टकराएंगे जरूर। बिहार के बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयोग के साथ कई बातें सामने आई, लेकिन बकाये बिजली बिल ना देने वाले लोगों की भी खैर नहीं, सरकार एक्टिव है और लगातार बातें सामने आ रही है। दूसरी तरफ जीतन मांझी ने लोकसभा के चुनावों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्लान सेट किया है, एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से एक और बड़ी बात सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन रेलवे की महत्वपूर्ण बातें, इंडियन रेलवे की कई जुड़ी हुई कहानियां हैं वो आज सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में विस्तार से बताएंगे कि मौसम विभाग का क्या नया अपडेट है और मौसम विभाग ने क्या नया अपडेट दिया, किस तरीके से इस वक्त नए नए खबरें सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने जलवे को मजबूत करने और बेहतर निर्णय के साथ राजनीति के नए परिवर्तन को जन्म देने की बात कह दी है। साथ ही साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में समझ लीजिएगा बीएसपी प्रमुख मायावती की कई रणनीति और कई नई नई कहानियां भी इस बार लोगों के सामने आने वाली है, जिस कहानियों के बारे में आप भी अवगत शायद ना होंगे। दूसरी तरफ बिहार और देश के अन्य गौ पालकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार ने डेयरी फार्म पर सब्सिडी प्रोवाइड कराने के साथ देश के युवाओं का ध्यान भी केंद्रित कराया है। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए देश के युवाओं को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे सोलर पावर प्लांट लगा करके आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार जो है ललन कुमार सिंह एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। ललन कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के उनकी तैयारी किस तरीके से की गई है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव ने बताया लोकसभा का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते हैं चुनाव, यह बात पर भी संदेह नहीं है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ दोस्तों बिहार में तीसरा किस्त जो नरेंद्र मोदी यानी पीएम आवास के पैसों का तीसरा किस्त रिलीज करना था वो सरकार ने रिलीज करना शुरू कर दिया है। नितिन गडकरी भी ट्रोल हो गए, नितिन गडकरी ने नाम के आगे लगाया मोदी का परिवार तो ट्रोल हो गए। ऐसे में जी हाँ कई लोगों ने क्या कुछ कहा सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड जरूर कर रहा है। दूसरी तरफ आज एक नई बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं देश के किसान महापंचायत में किसानों की एमएसपी पर फिक्स कानून की मांग ने सरकार को हिला दिया है, सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सिस्टम तो आज इस बात को लेकर के लाचार है कि बिहार में पिछले 10 वर्ष पहले जी हाँ आपको बता दें कि नल जल योजनाएं लाई गई, आज उस योजनाओं का सुपर डुपर फ्लॉप एक नजराना पेश होता नजर आया है। बड़ी खबर
लेकिन इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले बिहार में नीतीश कुमार यहाँ खेल कर सकते हैं, यानी तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी, पांचवीं और दसवीं बार तक भी नीतीश कुमार हार मानने वाले नहीं है। नीतीश कुमार इस बार तो कहते ही भले ही नजर आए हों कि मैं अपनी पुरानी जगह पर आ गया हूँ, मैं यहाँ से अब हिलूंगा नहीं, मैं आपको भरोसा दिला देना चाहता हूँ। पर नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किसको है ये तो आप भली भांति जानते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में क्या जेडीयू को कम टिकट देना चाहते हैं, या बीजेपी नहीं चाहती कि जेडीयू पर किसी भी तरीके से जिया कहीं ना कहीं एक दाव लगाया जाए, और इसीलिए वह बिना दाव लगाए हुए कई चुनाव के बड़े रणनीति को अपनाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू की जनाधार पर सवाल तो जरूर खड़ा हो गया है, पर यह सवाल आज से नहीं कई वर्षों पुराने जिया सरकारों से चला आ रहा है। अब नीतीश कुमार अगली क्या रणनीति बनाएंगे इस पर आपको विस्तार से विशेष जानकारी हम दे पाएंगे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जैसे लोग भी जिया जब बीजेपी से टिकट मिलने के बाद इस टिकट को वापस किए तो सवाल तो उठना लाजमी था। कुछ लोगों ने सवाल किया और कुछ लोगों ने इस पर जवाब भी मांगा। लालू प्रसाद यादव और अन्य लोगों से अक्सर मुलाकात के बाद माना गया कि क्या पवन सिंह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो हालांकि संभावनाएं तो कई बातों को लेकर और भी व्यक्त की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि पवन सिंह ने कहीं से भी चुनाव लड़ने से इनकार किया, और यह भी बात उन्होंने बता दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो अपील थी उस अपील को भी वो स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जी पवन सिंह जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे पर बीजेपी के ही टिकट से, बिहार के किसी अन्य हिस्सों से वह चुनाव लड़ने की रणनीति अपना सकते हैं। अक्सर क्या है कि अब बंगाल से चुनाव ना लड़ने के पीछे का भी कई वजह और कारण है, और इसमें लगातार सुर्खियां पवन सिंह ने पहली लिस्ट के अंदर बड़ा नाम होकर के जरूर बिटोर लिया था। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी आज बहुत मजबूत है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जयंत चौधरी को लेकर आ रही है। बीजेपी से जयंत चौधरी के गठबंधन के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूलों पर शायद बात ना हो पाई, क्योंकि जो सीट बीजेपी जी हां अपने कैंडिडेटों के नाम के अनाउंसमेंट कर चुकी है उस सीट पर जयंत चौधरी की पहले से नजर थी। जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता के तौर पर अपने आप को हमेशा पेश करते नजर आए हैं, और अक्सर वो है भी, क्योंकि उन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या भी अधिकतम है। ऐसे में जाट का जहां भी वोट बैंक वहां कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की मजबूती देखने को मिलती है। जी हां, जयंत चौधरी ने कहा कि हमेशा से हम लोगों की प्रयास, हम लोगों की कोशिश एक नया उदाहरण पेश की है, और इस बार भी हमको पता है कि बहुत कुछ नई चीजें, तस्वीरें नई नई सामने आएगी, इतिहास इस बार जरूर बनेगा। और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी का चुनाव अलग लड़ना, अलग बातें सामने आना, अलग विचार होना कहीं ना कहीं कई बातों को जन्म देता है, कई चीजों को अलग अलग उदाहरणों के तौर पर बेहतर बताने के लिए काफी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बिहार से लेकर के देश के अन्य हिस्सों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। पिछले 48 घंटों में बारिश की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। आसमानी बिजली को भी लेकर के सरकार अलर्ट है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। हालांकि पिछली बार जो तेज हवाओं के साथ बड़ा तूफान का दौर था, इसमें किसानों की फसल गिर चुकी थी। इस बार भी फसल गिरने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ इस बार का भी तूफान काफी तेज होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आसमानी बिजली से बचने के लिए आप कई चीजों को अलर्ट रख सकते हैं, आप भी अलर्ट रह सकते हैं। ऐसे में बारिश में आप घरों से बाहर निकलने से पहले सोचें जरूर। बड़ी खबर, सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त जीतन रामाजी को लेकर के। जीतन रामाजी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव हैं, नीतीश कुमार पर भरोसा जता चुके हैं, और यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतन रामाजी जैसे लोग भी चुनाव लड़ने की जिया अपेक्षा और उम्मीद जाहिर कर चुके हैं। जीतन रामाजी पिछले कई दिनों से इस बातों को बता भी रहे हैं कि उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है, उनके इमोशन सारे जुड़े हुए हैं, और इस बार चुनाव में सीट अधिकार और क्षेत्र की बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। बिहार में नेताओं का दौर जारी है, सभी नेता चाहते हैं कुछ सीटें ही मिल जाए उन्हें और लड़ लें।
ललन कुमार सिंह ने जेडीयू को मजबूत पहले भी रखा है और आज भी जेडीयू ललन कुमार सिंह के वजह से जरूर मजबूत है, पर जेडीयू के बड़े नेता ललन कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के स्टेप को सराहना के तौर पर माना, लेकिन आज भी ललन कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। क्या ललन कुमार सिंह को फिर से जेडीयू अपने सांसद कोटे की बड़ी टिकट को देकर के किस्मत आजमाने का मौका देगी, अन्यथा ललन कुमार सिंह कुछ और रास्ता देखते नजर आएंगे? यह वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ आपको बड़ी जानकारी देंगे। बस बने रहिएगा आप हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।